हेलो एवरीवन, यह है कैरियर का एसी 1.5 टन 4 स्टार रेटेड 2022 मॉडल और इसे मैंने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से 33499 में। और इस एसी को यूज़ किए हुए करीब मुझे 20 दिन हुए हैं और एकदम अच्छे से काम कर रहा है। मैंने इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो आज मैं बताने वाला हूँ इस एसी के रिमोट के बारे में, इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा आता है कुछ रिमोट, सबसे पहले एसी को ऑन कर देते हैं। स्विंग का बटन दबाने से आप फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है टर्बो मोड, इसमें समझो आप कहीं बाहर से आते हैं और आपको रूम फटाफट ठंडा करना है, तब आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। पर इस मोड को आप रेगुलर यूज़ ना करें, नॉर्मली एसी को अपना टाइम लेने दें ठंडा करने के लिए। फिर आता है स्टेप का बटन, आप इसमें फ़ैन को कहीं भी एक जगह रुका सकते हैं। फिर आता है टेम्परेचर का बटन अप डाउन का, और इसमें कम से कम टेम्परेचर 17 तक जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक। फिर एसी में अलग अलग मोड्स आते हैं, कूल, ड्राई, फैन और ऑटो का। आप इसको नॉर्मली कूल में यूज़ करें और ऑटो में। फिर आता है ऑप्शन का बटन, ये आपका नॉर्मल मोड में चल रहा है, एक बार दबाने से आदमी का साइन आ जाएगा रिमोट में, इसको फॉलो मी मोड बोलते हैं। इसमें रिमोट में एक सेंसर लगा हुआ है, तो जहाँ ये रिमोट पड़ा होगा वहाँ का टेम्परेचर देख के एसी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर देगा। दूसरी बार दबाने से फिर आएगा इको मोड, इसमें एसी कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, जितनी लाइट बच सकती है बचाएगा। फिर तीसरी बार दबाने से आता है सेल्फ़ क्लीन, इसमें एसी पूरा अपने आप सेल्फ क्लीन हो जाएगा, खुद ही साफ़ कर देगा अंदर से। फिर लास्ट में आता है प्लाज्मा मोड, इसमें ये एयर रिफ्रेश करेगा। फिर आता है टाइमर का बटन, आपको टाइम सेट कर देना है, एक घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, मैक्सिमम आप 24 घंटा सेव कर सकते हैं। और टाइमर स्टार्ट करने के बाद एसी में दो लाइट आ जाएगी। फिर आता है नाइट मोड, इसे दबाने के बाद एसी अपने आप 7 घंटे में बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने एसी को 24 पर सेट किया तो हर एक घंटे एक टेम्परेचर गिराएगा और 7 घंटे बाद एसी बंद हो जाएगा अपने आप। फिर आता है डिस्प्ले का बटन, आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है माई का ऑप्शन, ये बेसिकली एक मेमोरी फीचर है, आप अपने हिसाब से टेम्परेचर, फ़ैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। फिर आप जब भी इस बटन को दबाएंगे वो एसी वहीं से चालू हो जाएगा, वही टेम्परेचर और वही फ़ैन स्पीड पे स्टार्ट होगा। फिर आते हैं तीन मोड, इसके नीचे लिखा है फ्लेक्सी कूल। पहला बटन दबाने से एसी 50% पे चलेगा अपनी पूरी ताकत के हिसाब से और डिस्प्ले में लिख के आएगा। दूसरा बटन दबाने से 75% पे चलेगा और तीसरा बटन दबाने से ये एसी 100% पे चलेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो मैं तो फ़िलहाल इसको 50 पे यूज़ करता हूँ। फ़ैन का बटन रह गया था, सो फ़ैन की स्पीड आती है 1, 2, 3, फिर ऑटो। और इस एसी को बंद कैसे करना है, आपको सिर्फ एक बार ऑफ़ का बटन दबाना है और एसी 5 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा। और एसी ऑफ़ के बटन को 2 बार दबाने से ही बंद होता है, पर ऐसा आप ना करें, कहीं अगर आपको बाहर जाना है जल्दी और आपको एसी बंद करना है तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।